हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में वैद्युत रसायन चैप्टर की बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो की हमारी टॉपिक है नर्स्ट समीकरण, जिसको इंग्लिश में हम लिखेंगे नर्स्ट इक्वेशन। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं नर्स्ट समीकरण, बाद में इसका निगमन करेंगे और इसके सभी पदों को हम समझेंगे। तो यदि हम नर्स समीकरण लिखें तो हम लिखेंगे E बराबर E नॉट माइनस आर टी अपान एन एफ एल एन क्यू। इस समीकरण में E प्रदर्शित करता है इलेक्ट्रोड विभव को, E नॉट मानक इलेक्ट्रोड विभव को, R गैस नियतांक है, T यहाँ पर है ताप, और ताप यहाँ पर हम केल्विन में रखेंगे, एफ फैराडे नियतांक, N अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q अभिक्रिया भागफल, और Ln प्रदर्शित करता है लॉग बेस E को। ये जो हमने नर्स समीकरण लिखा है, वास्तव में यह समीकरण एक इलेक्ट्रोड के लिए लिखा गया है। नर्स समीकरण में एक खास बात आपको ध्यान रखनी है कि इसको आप इलेक्ट्रोड के लिए भी लिख सकते हैं या फिर इसको आप सेल के लिए भी लिख सकते हैं। जब सेल के लिए लिखेंगे तो थोड़ा सा चेंज कर देंगे आप और लिखेंगे ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी अपान एन एफ एल एन क्यू। इस समीकरण में ई सेल लिखा गया है सेल विभव के लिए, जिसको आप सेल का ई एम एफ भी कहते हैं। ई नॉट सेल लिखा गया है मानक सेल विभव के लिए, जिसको सेल का मानक ई एम एफ भी कहते हैं। तो ये हमने सबसे पहले नर्स समीकरण को देखा कि नर्स समीकरण क्या होता है और कैसा होता है। आगे हम इसका निगमन सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, ताकि इससे जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल क्वेश्चन और इससे एग्जाम में आने वाले सभी प्रकार के प्रश्न हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए अब हम देखते हैं नर्स समीकरण का निगमन। तो निगमन के लिए आपको क्लास 11th का एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। क्लास 11th के ऊष्मागतिकी चैप्टर में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। इस सूत्र में या इस समीकरण में डेल्टा जी गिब्ज मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, डेल्टा जी नॉट प्रदर्शित करता है मानक गिब्ज ऊर्जा परिवर्तन को, आर यहाँ पर गैस नियतांक, टी है ताप, और ताप को केल्विन में लेना है, क्यू अभिक्रिया भागफल, और ln के बारे में हम पहले से जानते हैं, ln यहाँ पर होता है log बेस e। इसी समीकरण से नर्स समीकरण का निगमन होता है, तो ये समीकरण आपको याद रहना चाहिए। इसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था। यहाँ पर इस समीकरण को हम समीकरण एक मान लेते हैं। इसके अलावा दो और भी सूत्र हैं जो आपको याद होने चाहिए, जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें से एक ही आपको याद रखना है, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई। और यदि इसी समीकरण को हम मानक अवस्था के लिए लिखें तो हम लिखेंगे डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट। आप जानते हैं आप ये जो छोटा सा जीरो बनाया जा रहा है इसको हम नॉट पढ़ते हैं, ऊपर जो छोटा सा जीरो लगाया जा रहा है इसको नॉट पढ़ते हैं, और ये यहाँ पर मानक अवस्था को प्रदर्शित करता है। अब यदि यहाँ से हम डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट के मान को समीकरण एक में रखें तो देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास समीकरण एक था, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब इस समीकरण में हम डेल्टा जी का मान और यहाँ पर डेल्टा जी नॉट का मान इस समीकरण में रखेंगे तो समीकरण हमको प्राप्त होगा माइनस एन एफ ई बराबर माइनस एन एफ ई नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब इस समीकरण में हम माइनस एन एफ से भाग देंगे, तो देखिए यहाँ पर सबके अपान में मैंने माइनस एन एफ लिख दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा विचार करिए, देखिए यहाँ पर ऊपर भी माइनस एन एफ है और नीचे भी माइनस एन एफ है, तो यहाँ का ये ऊपर वाला माइनस एन एफ और नीचे का ये माइनस एन एफ एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा,
इस दूसरे पद में भी आप देखिए ऊपर भी माइनस एन एफ है, नीचे भी माइनस एन एफ है, तो यहाँ पर भी ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको एक नया समीकरण प्राप्त होगा। और देखिए कैसे प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से ये कैंसिल होने के बाद बच गया है ई, यहाँ पर ये कैंसिल होने के बाद बच गया है ई नॉट, यहाँ पे प्लस था, नीचे ये माइनस था, इससे ये माइनस हो गया है, और ये आर टी है, और इसका अपान बचा है एन एफ, और आगे एल एन क्यू है। तो इस प्रकार हमको ये समीकरण प्राप्त होता है ई बराबर ई नॉट माइनस आर टी अपान एन एफ एल एन क्यू, और इस समीकरण को हम कहते हैं नर्स्ट समीकरण। तो यहाँ तक हमने सीखा नर्स्ट समीकरण का निगमन, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, वैसे भी ये बेहद आसान है। अब यदि नर्स्ट समीकरण को हम थोड़ा सा चेंज करें और यहाँ पे ln को log बेस 10 के पदों में लिखें, तो इसके लिए हम एक सूत्र जानते हैं कि ln जिसको हम log बेस e कहते हैं, इसको यदि हम log बेस 10 में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे 2.303 से गुणा करना होता है। इस सूत्र के आधार पर जब इस समीकरण में हम बदलाव करेंगे तो हम लिखेंगे e बराबर e नॉट माइनस आर टी अपान एन एफ, ये सब पहले से था, देखिए ln हमने हटा दिया है और इसके जगह पर हमने रख दिया है 2.303 log, और q यहाँ पर पहले से ही था। अब इस समीकरण को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हम लिखेंगे e बराबर e नॉट माइनस 2.303 गुणे आर टी अपान एन एफ log q, यहाँ पे जो log लिखा है इसका बेस 10 है, और जब ln लिखते हैं तो उसका बेस e होता है, यानी ln होता है log बेस e, और केवल log लिखें तो इसका अर्थ होता है log बेस 10। तो कई बार आप बुक में ये समीकरण देखेंगे, कई बार ये समीकरण देखेंगे, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो किसी बुक को पढ़ने पर, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दोनों के बारे में अच्छे से समझा दिया है। नर्स समीकरण के जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे उसको हम इस समीकरण से लगा सकते हैं, या फिर हम इसको थोड़ा और सॉल्व करके एक आसान सा समीकरण बना सकते हैं जिससे बहुत आसानी से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वहाँ पे कैलकुलेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम हमसे दूर हो जाएंगी। तो देखिए अब हम इसको थोड़ा सा सिंपल रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारे पास है नर्स समीकरण, यहाँ पर आर जो है वो है गैस नियतांक, और इसका मान होता है 8.314 जूल केल्विन पर माइनस वन मोल का पावर माइनस वन। यहाँ पर टी जो है वो ताप है, और ताप के बारे में आपको ध्यान रखना है कि अधिकांश अभिक्रियाएं जो होंगी उनको हम सामान्य ताप पर कराते हैं, और सामान्य ताप को इंग्लिश में हम रूम टेम्परेचर कहते हैं, और रूम टेम्परेचर का मान होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन केल्विन में बात करेंगे तो हम लिखेंगे 298 केल्विन, क्योंकि आप जानते हैं कि 25 में 273 जोड़ेंगे तब जाके ये केल्विन में कन्वर्ट होगा। और एफ यहाँ पर होता है फैराडे नियतांक, और फैराडे नियतांक का मान होता है 96,487 कूलाम, जिसको लगभग में हम लिखते हैं 96,500 कूलाम। तो यदि इन तीनों मानों को हम इस समीकरण में रखें तो क्या होगा देखते हैं, तो हम लिखेंगे E बराबर E नॉट माइनस 2.303, देखिए ये पहले से था, R के जगह पे हमने रख दिया 8.314, T के स्थान पर हमने रख दिया 298, नीचे N को हमने ऐसे ही रहने दिया है, और F के स्थान पे रख दिया 96,500, और log Q को हमने ऐसे ही रहने दिया है। अब यदि इन तीनों का हम आपस में गुणा कर लें और फिर उसके बाद 96,500 से भाग दें, इन तीनों का गुणा करके 96,500 से भाग दें, तो हमको प्राप्त होगा एक नया समीकरण E बराबर E नॉट माइनस 0.059 बटे N log Q। अब ये 0.059 कहाँ से आया, तो जब इन तीनों को आप गुणा करके इस 96,500 से भाग देंगे तो इतना मान आपको मिलेगा। तो ये समीकरण नर्स समीकरण का एक सिंपल रूप है, सरल रूप है, जिससे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आते हैं या फिर कंपिटेटिव एग्जाम में आते हैं वहाँ पे ताप को
सामान्य ताप ही रखा जाता है, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखा जाता है। लेकिन यदि ताप का कोई अलग कंडीशन आपको दिया गया हो तो आप यहाँ पर इस मान को नहीं रखेंगे, जो मान दिया हो गया होगा ताप का वहाँ उसको आप रख के उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि इस सिंपल समीकरण को आप सेल के लिए लिखें तो आप लिखेंगे ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 बटे एन लॉग क्यू। तो ये हमने पढ़ा नर समीकरण का सिंपल रूप। इसके पहले हमने सीखा नर समीकरण का निगमन। यदि आपको कन्फ्यूजन हो तो एक बार ध्यान से देखिए, और फिर भी यदि आपके कन्फ्यूजन दूर ना होता हो तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा इस टॉपिक में। अभी हम मैंने आपको बताया समीकरण नर समीकरण का एक सरल रूप है। आगे हम पढ़ेंगे अभिक्रिया भागफल, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं क्यू से, या हम प्रदर्शित कर सकते हैं क्यू सी से। अभिक्रिया भागफल के बारे में हम बहुत अच्छे से क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूंगा ताकि आपको यहाँ पर ये बातें अच्छे से याद रहें और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको कोई समस्या ना हो। तो अभिक्रिया भागफल को यदि हम बहुत सामान्य शब्दों में परिभाषित करें तो हम कहेंगे साम्यावस्था की अतिरिक्त किसी भी अवस्था पर उत्पाद की मोलर सांद्रता एवं अभिक्रियक की मोलर सांद्रता के अनुपात को अभिक्रिया भागफल कहते हैं। यदि अभिक्रिया भागफल के लिए एक साधारण सा सूत्र हम लिखें तो हम लिखेंगे अभिक्रिया भागफल, यहाँ पे मैंने Q से प्रदर्शित किया है, आप चाहें तो QC भी लिख सकते हैं, Q बराबर उत्पाद की सांद्रता और बटे अभिक्रियक की सांद्रता। ध्यान रखिएगा कि जब हम अभिक्रिया भागफल की बात करेंगे तो साम्यावस्था की अतिरिक्त किसी अवस्था पर बात करेंगे। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि साम्यावस्था की अवस्था में क्या होगा, तो आके मैं आपको समझा दूंगा, फिलहाल अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो अभी हमने नर समीकरण पढ़ा, ई बराबर ई नॉट माइनस 2.303 गुणे आर टी बटे एन एफ लॉग क्यू। अब यहाँ पर हम चाहें तो Q के स्थान पर लिख सकते हैं उत्पाद की सांद्रता बटे अभिक्रियक की सांद्रता। तो कई बार आपको नर समीकरण इस रूप में भी देखने को मिलेगा, आप लिख सकते हैं E बराबर E नॉट माइनस 2.303 गुणे आर टी बटे एन एफ और लॉग Q को देखिए यहाँ पर हमने हटा दिया है, यहाँ पे लिख दिया है प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट को यहाँ पे बड़े वाले कोष्टक में लिखने का अर्थ है कि उत्पाद की सांद्रता है, उत्पाद को इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं, और बड़ा वाला कोष्टक जो है वो सांद्रता को प्रदर्शित करता है। अभिक्रियक को इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं, और बड़े वाले कोष्टक में लिखा गया है इसका अर्थ है अभिक्रियक की सांद्रता। अब एक समीकरण से हम क्यू को समझते हैं, एक अभिक्रिया से क्यू को समझते हैं कि कोई अभिक्रिया दिया गया हो तो हम कैसे लिखेंगे उसके लिए अभिक्रिया भागफल। इसके लिए हम एक सामान्य अभिक्रिया मान लेते हैं, इसमें ए और बी अभिक्रियक हैं जिनसे सी और डी उत्पाद का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर ए के सामने आप देखिए स्मॉल ए लिखा गया है, बी के आगे स्मॉल बी लिखा गया है। वास्तव में यहाँ पर कैपिटल ए और कैपिटल बी अभिक्रियक हैं, और स्मॉल ए और स्मॉल बी इनके गुणांक हैं, जिसको हम कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक गुणांक। ऐसे ही यहाँ पर उत्पाद कैपिटल सी और कैपिटल डी हैं, स्मॉल सी और स्मॉल डी इनके गुणांक हैं। यदि इस समीकरण के लिए या इस अभिक्रिया के लिए हम अभिक्रिया भागफल लिखें तो हम लिखेंगे अभिक्रिया भागफल क्यू बराबर उत्पाद की सांद्रता को आपको ऊपर रखना होता है, अभी आपने पढ़ा। यहाँ पर उत्पाद सी है तो हमने रखा सी की सांद्रता, आप जानते हैं बड़ा वाला कोष्टक सांद्रता को प्रदर्शित करता है, और एक उत्पाद डी है तो इसलिए हमने लिखा इंटू डी की सांद्रता। जब भी अभिक्रिया भागफल लिखेंगे तो जो उत्पाद के आगे ये गुणांक लगे हैं उनको आपको इसकी सांद्रता का पावर लगाना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है सी की सांद्रता का पावर स्मॉल सी और डी की सांद्रता का पावर स्मॉल डी, तो गुणांक को उनके सांद्रता पदों पर घात लगा देते हैं। ऐसे ही नीचे जब हम अभिक्रियक की सांद्रता लिखेंगे तो
यहाँ पर हम लिखेंगे ए की सांद्रता और इसका घात लगा देंगे इसका गुणांक, तो इसका सांद्रता पद का हमने घात लगा दिया स्मॉल ए और बी के सांद्रता का घात हमने लगा दिया स्मॉल बी। ये अभिक्रिया भागफल लिखने का तरीका होता है और इसको आप क्लास 11th में भी पढ़े थे। अब बात हम थोड़ी सी कर लेते हैं साम्यावस्था पर क्या होगा। तो देखिए ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यदि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया साम्यावस्था पर पहुंच जाए तो यहाँ पर Q का उपयोग नहीं करते हैं, सेम यही वैल्यू हम लिखते हैं Kc के लिए। तो साम्यावस्था पर हम लिखेंगे साम्य स्थिरांक Kc बराबर C की सांद्रता का पावर स्मॉल C, D की सांद्रता का पावर स्मॉल D बटे A की सांद्रता का पावर स्मॉल A इंटू B की सांद्रता का पावर स्मॉल B। तो अभी मैंने आपको परिभाषा में बताया कि अभिक्रिया भागफल साम्यावस्था के अतिरिक्त अन्य अवस्थाओं के लिए उपयोग में लाते हैं। साम्यावस्था पर इसी वैल्यू को आप Kc कह सकते हैं, या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि Kc यानी कि साम्य स्थिरांक केवल साम्यावस्था के लिए लिखा जाता है, जबकि Q यानी अभिक्रिया भागफल को आप किसी भी समय लिख सकते हैं। अब हम एक सेल अभिक्रिया में Q का मान समझते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हमको सेल अभिक्रिया के लिए ही Q लिखना होता है, Q यानी अभिक्रिया भागफल। तो यहाँ पर एक सेल अभिक्रिया का उदाहरण हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर जिंक है, कापर आयन है, यहाँ उत्पाद में है जिंक आयन और कापर। इस अभिक्रिया से आप पहले से परिचित हैं, ये डेनियल सेल की अभिक्रिया है। यदि इस अभिक्रिया के लिए हम अभिक्रिया भागफल लिखेंगे तो हम लिखेंगे अभिक्रिया भागफल Q बराबर, देखिए उत्पाद की सांद्रता, तो उत्पाद में था जिंक आयन, तो जिंक आयन को बड़े वाले कोष्टक में लिख दिए, इसका अर्थ हो गया जिंक आयन की सांद्रता, इसका घात लगा दिए एक क्योंकि इसका गुणांक एक था तो इसलिए यहाँ पर घात एक लगा दिए। दूसरा आपका अभिक्रियक है कापर, तो इसलिए इंटू कापर की सांद्रता और इसका भी घात एक क्योंकि इसका गुणांक एक है। नीचे हमने लिखा है अभिक्रियक, तो अभिक्रियक में आप देखिए पहला अभिक्रियक जिंक था तो जिंक की सांद्रता का घात एक, और दूसरा अभिक्रियक कापर आयन था, कापर आयन की सांद्रता का घात एक लगा दिए क्योंकि इसका गुणांक एक है। आपको एक बात याद होगा कि किसी भी ठोस की सांद्रता एक मानते हैं हम, तो जिंक यहाँ पर जिंक ठोस है, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में एस लिखा गया है यानी सॉलिड, तो जिंक ठोस की सांद्रता एक हो जाएगी और कापर सॉलिड की भी सांद्रता एक हो जाएगी, तो अभिक्रिया भागफल को हम लिखेंगे अभिक्रिया भागफल Q बराबर जिंक आयन की सांद्रता का घात एक और कापर आयन की सांद्रता का घात एक, क्योंकि यहाँ पे कापर आयन जो सॉरी कापर की सांद्रता थी इसको हमने एक रख दिया है और जिंक की सांद्रता को भी एक रख दिया है। और आप जानते हैं इन सांद्रता पदों का घात एक है, इसको नहीं भी लिखें तो कोई बदलाव नहीं है क्योंकि एक घात तो हमेशा होता ही है। तो हम लिखेंगे अभिक्रिया भागफल Q बराबर जिंक आयन की सांद्रता बटे कापर आयन की सांद्रता। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किसी सेल अभिक्रिया के लिए हम अभिक्रिया भागफल का मान क्या लिखेंगे। तो अभिक्रिया भागफल जो भी हम लिखें उसमें जो भी ठोस पदार्थ मिलेंगे उसकी सांद्रता को आप एक करेंगे, तो इस प्रकार अभिक्रिया भागफल आपको प्राप्त हो रहा है इस डेनियल सेल की अभिक्रिया के लिए जिंक की सांद्रता बटे कापर की सांद्रता। अब एक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए भी हम Q का मान समझ लेते हैं कि Q कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने एक अपचयन अभिक्रिया लिया है, इसमें कापर आयन दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कापर में परिवर्तित हो रहा है। यदि इस अभिक्रिया के लिए हम अभिक्रिया भागफल लिखें तो अभिक्रिया भागफल में हम जानते हैं उत्पाद की सांद्रता और बटे अभिक्रियक की सांद्रता, जो उत्पाद की सांद्रता लिखेंगे उसके गुणांक को उसका पावर लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर उत्पाद में कापर था तो हमने लिखा है कापर की सांद्रता, इसका गुणांक एक था तो इसका घात एक होगा और एक नहीं भी लिखें तब भी काम चल जाएगा। अभिक्रियक में था कापर आयन तो हमने नीचे लिखा है कापर आयन की सांद्रता और इसका गुणांक एक था इसलिए घात यहाँ पर एक है जिसको हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी अभिक्रियक है, वैसे भी आप सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो ठोस कण होते हैं इसलिए इसको हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, या आप इसको एक मान सकते हैं। तो ये हमने लिखा इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए। इसके अलावा आप जानते हैं यहाँ पर जो कापर है वो सॉलिड है, और अभी हमने पढ़ा कि जब भी किसी अभिक्रिया में कोई ठोस होगा तो उसकी सांद्रता को हम एक रखते हैं, तो हम इसके लिए लिख देंगे अभिक्रिया भागफल Q बराबर
एक बटे कापर आयन की सांद्रता। तो इस प्रकार इलेक्ट्रोड के लिए हम Q का मान निकाल सकते हैं। ये सब आपको आना चाहिए अच्छे से, तभी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से धीरे धीरे पढ़िए, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अभिक्रिया भागफल, और आप अलग अलग परिस्थितियों में अभिक्रिया भागफल को लिख पाएंगे और उसके मान को रख पाएंगे। और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे जब हम इस के न्यूमेरिकल यानी कि नर समीकरण के न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो चलिए अगली टॉपिक हम पढ़ते हैं, एन का मान ज्ञात करना। अभी हमने नर समीकरण में एक पद देखा था एन, एन को अब कहते हैं अभिक्रिया में अस्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए किसी इलेक्ट्रोड के लिए सबसे पहले हम एन का मान ज्ञात करना सीखेंगे और बाद में हम सेल के लिए सीखेंगे। तो इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया के बारे में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोड पर अपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया की। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही n का मान होती है। जैसे एक अभिक्रिया का हम उदाहरण लेते हैं, देखिए यहां पर जिंक है, इसने दो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है और जिंक आयन में परिवर्तित हुआ है। इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया में एक धातु परमाणु ने दो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया गया है, अर्थात त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या दो है, यानी कि इस अभिक्रिया के लिए एन का मान होगा दो। अब बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया के लिए। अपचयन अभिक्रिया में ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को एन का मान कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, देखिए यहाँ पे कापर आयन है जिसने दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है और कापर सॉलिड बन गया है। यहाँ पर कापर आयन दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को आप अपचयन कहते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्रहण किए जाएंगे उसी को हम कहेंगे एन। तो कापर आयन दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए यहाँ पर एन का मान होगा दो। एक दूसरा उदाहरण आपके लिए मैं ले रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर सिल्वर आयन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है और सिल्वर धातु में परिवर्तित हुआ है। यहाँ पर सिल्वर आयन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए इस समीकरण के लिए n का मान हो जाएगा एक। कभी कभी जो इलेक्ट्रोड की अभिक्रियाएं होंगी वो आपको एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया की तरह दिखाई देंगी। वास्तव में इलेक्ट्रोडों पर उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं ही होती हैं, जिसको हम लोगों ने इलेक्ट्रोड विभव वाली वीडियो में समझा था। तो यदि इस रूप में रखा जाए तो यहाँ से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे अग्र अभिक्रिया चाहे बात करें चाहे पश्च अभिक्रिया की बात करें, यहाँ पर n का मान होगा दो, क्योंकि देखिए जिंक यहाँ पर अग्र अभिक्रिया में दो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और पश्च अभिक्रिया में जिंक आयन दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, यानी कि दो ही इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन है, इसलिए n बराबर यहाँ पर हो जाएगा दो। अब बात करते हैं हम सेल के लिए या सेल अभिक्रिया के लिए एन का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहली बात हमको पता है कि सेल में होने वाली अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। एक उदाहरण लेते हैं जिससे हम बात को समझेंगे। देखिए यहाँ पर हमने डेलियन सेल की अभिक्रिया का उदाहरण लिया है। अब इस अभिक्रिया के लिए यदि हमको एन का मान ज्ञात करना हो तो सबसे पहले इस अभिक्रिया को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इसका पहला भाग हम लिख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण अर्धअभिक्रिया, और दूसरा भाग हम लिखेंगे अपचयन अर्धअभिक्रिया। क्योंकि आप सेल अभिक्रिया के बारे में अच्छे से जानते हैं कि कोई भी सेल अभिक्रिया सम होती है ऑक्सीकरण अर्धअभिक्रिया की और अपचयन अर्धअभिक्रिया की। तो सबसे पहले ही इसके दोनों हिस्सों को हम अलग अलग कर लेंगे। अब अलग अलग कैसे किया गया है ये आप क्लास 11th में पढ़े थे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। तो देखिए हम यहाँ पे पहले अभिक्रियक को लेंगे। तो हमने यहाँ पे जिंक लिया और उत्पाद की तरफ हम देखेंगे कि इस जिंक से उत्पाद में क्या बना होगा। तो सोचिए जिंक से कापर तो बनेगा नहीं, जिंक से जिंक आयन बना होगा। तो हमने यहाँ पे रख दिया जिंक और यहाँ पे रख दिया जिंक आयन। यदि जिंक से जिंक आयन बनेगा तो इस पे दो धन आ रहा है। दो धन आने का अर्थ है कि जिंक जब दो इलेक्ट्रॉन बाहर करेगा तभी तो इस पे दो धन आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया +2e-,
यानी कि जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन त्याग किया है जिससे जिंक आयन का निर्माण हुआ है। और क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा है इसलिए इस अभिक्रिया को हम कहेंगे ऑक्सीकरण, और ये सेल अभिक्रिया का एक हिस्सा है या आधा भाग है इसलिए इसको कहेंगे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। अब देखते हैं कि इस दूसरी अभिक्रिया को हमने कैसे प्राप्त किया इस सेल अभिक्रिया से। तो दूसरा अभिक्रियक था कापर आयन, तो मैंने एक तरफ लिख दिया कापर आयन, और इससे क्या बना होगा उत्पाद में, तो इससे बना होगा कापर, तो दूसरी तरफ हमने लिख दिया कापर। अब कापर आयन से कापर बन रहा है, तो देखिए इसके बनने में यहाँ पे दो धन जो है इधर जाके खत्म हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। तो दो धन को समाप्त होने के लिए जरूरी है कि इधर दो इलेक्ट्रॉन जुड़े, क्योंकि ये दो प्लस इस दो माइनस से समाप्त हो जाएगा और ये उदासीन परमाणु बन जाएगा। तो इस आधार पर हमने इस अपचयन अर्ध अभिक्रिया को अलग कर लिया है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है इसलिए इसको हम कहेंगे अपचयन, और इस सेल अभिक्रिया का आधा हिस्सा है इसलिए हम इसको कहेंगे अर्ध अभिक्रिया, यानी कि ये है अपचयन अर्ध अभिक्रिया। देखिए हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन आपको प्लस में दिखे प्रोडक्ट साइड में तो आप समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, और जब भी इलेक्ट्रॉन प्लस किया गया होगा रिएक्टेंट की तरफ यानी अभिक्रियक की तरफ तो आप समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया गया है। अब यदि इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं से सेल अभिक्रिया हम प्राप्त करना चाहें तो इसके लिए हमको इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ना होगा। तो चलिए इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ते हैं। तो जब भी दो अभिक्रियाओं को हम जोड़ें जिनमें कि आयन भी हों इलेक्ट्रॉन भी हों तो इसको हम कह सकते हैं आयन इलेक्ट्रॉन अभिक्रियाएँ। तो हमेशा उन दोनों अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम बराबर करते हैं। तो देखिए पहले से ही यहाँ पे बराबर है कि इस ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में भी दो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं और अपचयन अर्ध अभिक्रिया में भी दो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की अपोजिट साइड में है इसलिए जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हमको सेल अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी जैसा कि पहले था। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पर एन का मान क्या हुआ, तो n का मान वही होगा जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कैंसिल हो। देखिए दो संख्या होने पर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं इसलिए n का मान होगा 2। एक बार और समझते हैं ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए, यहाँ से कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो देखिए अब की बार हम सेल अभिक्रिया नहीं ले रहे हैं, एक सेल डायग्राम का उदाहरण ले रहे हैं, क्योंकि आपको अभिक्रिया भी मिल सकती है और सेल डायग्राम भी मिल सकता है। तो देखिए ये एक सेल डायग्राम है, तो इससे सेल अभिक्रिया लिखते हैं। तो देखिए सेल अभिक्रिया इससे हम लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। तो देखिए आप जानते हैं ये जो दो लाइन दिखाई गई हैं, दो समांतर रेखाएं दिखाई गई हैं, इसको हम कहते हैं लवण सेतु। ये सब आप सेल डायग्राम वाली वीडियो में पढ़े हैं जब आप डेनियल सेल के बारे में पढ़ रहे थे। इसके जो राइट साइड में होता है उसको आप ऑक्सीकरण अर्ध सेल कहते हैं और जो लेफ्ट साइड में होता है उसको अपचयन अर्ध सेल कहते हैं। यानी कि जो राइट साइड में होगा जो लेफ्ट साइड में होगा इधर की क्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, और जो राइट साइड में होगा उधर की अभिक्रिया कहलाएगी अपचयन अर्ध अभिक्रिया। इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला भी एक पढ़ा था लोन। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पहले हम बात करते हैं लेफ्ट साइड की। तो यहाँ पर Ni था जिससे Ni2+ बन रहा था। अब सोचिए Ni से Ni2+ यानी निकिल आयन कैसे बना होगा, तो यहाँ पे तो उदासीन था, यहाँ पे चार्ज कैसे आया जब इससे इलेक्ट्रॉन अलग हुआ होगा, कितना इलेक्ट्रॉन अलग होगा तो दो धन आएगा, जाहिर सी बात है दो इलेक्ट्रॉन अलग होगा तभी तो दो धन आएगा। तो इधर वाले हिस्से की अभिक्रिया हमने लिख दी Ni से बन रहा है Ni आयन यानी कि 2+, और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन अलग हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अलग हो रहे हैं इसलिए इसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। दूसरे तरफ की अभिक्रिया हम कैसे लिखेंगे ये देखिए, तो इस राइट साइड में देखिए आप पहले Ag आयन था तो हमने Ag आयन लिख दिया है सिल्वर आयन, इधर बन क्या रहा है सिल्वर, तो हमने दूसरी तरफ सिल्वर लिख दिया उत्पाद की तरफ। अब यहाँ पे धन एक आवेश है और यहाँ पे आवेश समाप्त हो रहा है, तो आवेश समाप्त करने के लिए जरूरी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले ताकि ये प्लस माइनस एक दूसरे से बैलेंस हो जाए। तो ये हो गया अपचयन अर्ध अभिक्रिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे लिखते हैं हम ये अर्ध अभिक्रियाएं। अब यदि हम यहाँ पे जोड़ना चाहें तो यदि इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो सेल अभिक्रिया मिलेगा, लेकिन देखिए यहाँ पर एक अर्ध अभिक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले में दो इलेक्ट्रॉन है, तो सीधा इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं।
अभी मैंने बताया कि दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो तभी आप उसको जोड़ेंगे। तो इसके लिए इस अपचयन अर्धाभिक्रिया में हम दो से गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको ब्रैकेट में रख के गुणे दो लिख दिया है, और जब इसको दो से गुणा करेंगे तो ये समीकरण हमको प्राप्त होगा 2Ag आयन यानी सिल्वर आयन प्लस 2E- और इससे बनेगा 2Ag। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण अर्धाभिक्रिया में भी दो इलेक्ट्रॉन और अपचयन अर्धाभिक्रिया में भी दो इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो अब हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन ये रिएक्टेंट साइड में थे और ये प्रोडक्ट साइड में हैं, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे और यहाँ से हमको सेल अभिक्रिया प्राप्त होगी। अब बात ये है कि एन का मान क्या होगा, तो एन का मान वही होता है कि जब हम ऑक्सीकरण अर्धाभिक्रिया और अपचयन अर्धाभिक्रिया को आपस में जोड़ते हैं तो जितनी संख्या पर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कैंसिल होते हैं वही होता है एन का मान। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या दो होने पर ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हुए हैं, यानी एन का मान होगा दो। अर्थात एक बात हमको ध्यान रखनी है कि सेल अभिक्रिया के लिए जब ऑक्सीकरण अर्धाभिक्रिया और अपचयन अर्धाभिक्रिया को जोड़ा जाता है तो जितनी संख्या पर इलेक्ट्रॉन कैंसिल होते हैं वही एन का मान होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, 100% गारंटी है कि मैं उसको सॉल्व करूंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।